डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अक्सर बहुत लोग सलाह देते हैं कि आप बनानाज मत खाइए, वाइट राइस मत खाइए, चपाती मत खाइए, तो जो डायबिटीज़ का पेशेंट है वो डाउट में आ जाता है कि आखिर वो खाए क्या। तो इस वीडियो के थ्रू मैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के इसी डाउट को दूर करूंगी। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूं आपका इस वीडियो में, और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पावरफुल फूड आइटम्स के बारे में जो कि बहुत ही अच्छा कैपेसिटी रखते हैं आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऐसा जो फूड आप अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं वो है फिश। फिश जैसे कि सार्डाइंस और मैकरल, अगर आप इन फिश को अपनी रूटीन में ऐड ऑन करते हैं, मतलब नॉट ऑन डेली बेसिस लेकिन हफ्ते में 3 से 4 बार, तो आप नोट करेंगे कि आपके डायबिटीज़ के जो लेवल हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और साथ ही साथ जो फिश होती हैं वो एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन होती हैं। तो जितने भी लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को एकदम से स्पाइक अप नहीं होने देते, और फिश लेने के बाद हम बहुत लंबे समय तक सेशिएटेड फील करते हैं, मतलब हमारा पेट जो है वो भरा रहता है और हमें बार बार से भूख भी नहीं लगती। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकती है उन पेशेंट के लिए जिनके शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं रहते। दूसरा फूड आइटम जो आप ऐड कर सकते हैं वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि पालक, ब्रोकली, मेथी, बथुआ। अगर आप ये फूड आइटम्स ऐड ऑन करते हैं तो इनमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत कम होता है, दूसरा इनमें कैलोरीज जो है वो बहुत ही कम होती हैं। तो जो भी फूड आइटम जिनमें कैलोरी कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है, वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी लोअर साइड पर फॉल डाउन करते हैं। थर्ड फूड आइटम जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में वो है चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, ये आपको थोड़ा नया लग रहा होगा सुनने में, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि जो चने की दाल है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में 11 नंबर पे फॉल डाउन करती है। तो 11 नंबर जो है वो मैंने आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो बताया था कि 1 से लेके 100 के बीच में हम फूड आइटम्स को काउंट करते हैं, और जो भी 55 से नीचे की तरफ रेंज में आते हैं वो फूड आइटम्स होती हैं जो कि शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चने की दाल जो है वो 11th नंबर पर इसमें फॉल डाउन करती है। तो अगर आप चने की दाल को भी हफ्ते में 3 से 4 बार कंज्यूम करते हैं तो ये भी आपके शुगर के लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो फूड आइटम आप ऐड ऑन कर सकते हैं वो है सोक्ड आलमंड्स, मतलब आप बादाम को रात भर भिगो के रखिए, और मॉर्निंग में आप अगर उसका छिलका रिमूव करके 4 से 5 बादाम अगर डेली ऐड ऑन करेंगे तो ये भी आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो फूड आइटम मैं आपको बताऊंगी वो खाने में थोड़ा सा कड़वा होता है, जैसे कि करेला। करेला लेकिन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ ये हमारे बॉडी के अंदर पैनक्रियाज को स्टिम्युलेट करता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ जाए। अगर इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ेगी तो नेचुरली जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेंगे। तो इसीलिए टेस्ट बहुत अच्छा ना होने के बावजूद भी अगर आप करेले को अपने डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट फूड आइटम जो आपको ऐड ऑन करना है वो है बेरीज़, और बेरीज़ में भी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेरी आप ऐड ऑन करेंगे अपने डाइट में वो है जामुन। जामुन के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं। जामुन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनॉल्स, विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और ये सब प्रॉपर्टीज़ मिलके इसको एक बहुत अच्छा सोर्स बनाती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। अगर आप प्री डायबिटिक भी हैं तब भी अगर आप जामुन को डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके डायबिटीज़ की तरफ जाने की जो संभावना है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट जो फूड आइटम आपको अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है वो है मिलेट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है और आप डेली बेसिस पर घर में सिर्फ होल व्हीट चपाती कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उसको रिप्लेस कर दें, और आप कोशिश करें कि उसमें 50% जो मात्रा है वो मिलेट्स का मिला दें। इस तरीके से आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि जो मिलेट्स हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो मात्रा है वो व्हीट है कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। तो ये अगर फूड आइटम्स आप सभी अपने डाइट में ऐड ऑन करते हैं, 1 महीने तक इनको आप फॉलो करते हैं, तो आप नोट करेंगे कि मेडिसिन्स में बिना बदलाव के भी आपके शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये सब फूड आइटम ऐड ऑन करने के बावजूद भी शुगर लेवल्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें OPD में आके विजिट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।